أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزء نمبر 4 سورة آل عمران آية نمبر 140 अगर पहुँचा तुम्हें हुन कोई जख्म तो तहकीक कौमा पहुंच चुका है उस कौम को जखम जख्म उसी की का और ये अमु दिन नुदाविलुहा हम फेरते रहते हैं उन्हें बइन दरमियान लोगों के

इसमें जो हमारी आज की 140 आयत है की अगर तुमको कोई जख्म लगा है या कुम कर हुन, अगर तुमको कोई जखम लगा है यानी के कोई चोट लगी है और चोट कहाँ लगी थी कहाँ चोट लगी थी जैसे कल मैंने आपको पीछे आयात की तफसीर में बताया ना कि जंगे ओहद हो रही है जंगे में चोट लगी है, ओहद में जो पीछे तमाम बातें हुई हैं, वो ओहद की लड़ाई के बारे में हो रही है ना तो जंग में जब जंग हुई थी तो उसमें लगी थी ना चोटें, उसमें जख्म लगे थे ना, तो एक कौम को इसी तरह जख्म लग चुका है अल्लाह ताला बता रहे हैं करहुन फ़कद मसल कर मिसलू यानी जैसे तुम्हें अब लगी है ना चोट इसी तरह जो जख्म तुम्हें लगा है जो तकलीफ तुम्हें हुई है जो दर्द तुम्हें पहुंचा है इसी जख्म से इसी, से, इसी से, मस्सल कौम कर बिल्कुल तुम्हारी इसी मिसाल की तरह एक और कौम को भी पहले ये जख्म पहुंच चुका है ये दर्द मिला है ये तकलीफ से वो कौम भी गुजरी है कौन सी कौम कौन सी कौम की तरफ इशारा है कौम कुरैश जो मक्के से आए थे जंगे बदर में लगा था ना जो मुसलमानों की पहली लड़ाई हुई थी मैंने बताया था ना आपको पहले भी कि पहली जो इस्लाम की लड़ाई हुई थी वो बदर के मुकाम पे हुई थी इस वजह से उस जंगे बदर कहते हैं और उसमें मुसलमानों को फतह हुई थी बहुत अच्छी और कुरैश वाले जो लड़ने आए थे उन्हें उनके सत्तर सरदार मारे गए और बहुत सारा नुकसान हो गया कैदी भी हो गए थे वो लोग अब जब दूसरी लड़ाई हुई तो ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हो गई जीती हुई जंग हार गए और फिर पीछे से हमला हो गया और बहुत चोटें आई और जख्मी हुए शहीद हुए तो अल्लाह ताला उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वतिल कल यामु और ये दिन हम फेरते रहते हैं उन्हें दरमियान लोगों के यानी और ये दिन हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं घुमाते रहते हैं नुदाविलुहा फेरते रहते घुमाते रहते हैं असल में ये जो लफ्ज है ना नुदाव लुहा ये दौल से है दौल यानी घुमाते रहना घुमाते रहना कैसे कभी किसी को न, इसको कामयाबी हो गई कभी उसको कामयाबी हो गई कभी इसको नाकामी हो गई कभी उसको नाकामी हो गई और ये हर जगह पर होता है आप हर दौर में देखें देखें आप हर देखें। हर जगह पे मामले में आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे नुदाव लुहा का सिस्टम चलता रहता है कि कभी ये ऊपर और कभी वो नीचे कभी ये नीचे और कभी वो ऊपर कभी इसे कामयाबी कभी उसे कामयाबी और ये हर जगह पर होता रहता है कभी कामयाब लोग भी नाकाम हो जाते हैं ये हकीकत है और कभी नाकाम लोग भी कामयाब हो जाते हैं तो ये वक्त की वक्त वक्त की बात होती है वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता वक्त गुजर जाता है कामयाबी जो होती है ना वो भी ठहरी नहीं रहती कामयाबी भी गुजर जाती है इसी तरह नाकामी जो है वो भी एक जगह फिक्स नहीं हो जाती वो वक्त भी गुजर जाता है नाकामी भी गुजर जाती है वक्त रुकता नहीं है लेकिन ये तब्दीली होती रहती है और ये किस लिए होती रहती है देखे इसलिए भी होती रहती है कि दुनिया में मुख्तलिफ तहजीबें हैं तहजीबें अलग अलग तहजीब टाइम अलग अलग टाइम थे ना तहजीबों के बदलाव आता रहा कभी इस्लामी तहजीब थी तो उनका बहुत रूज था इस्लाम का चर्चा था कभी गैर इस्लामी तहजीब आ गई तो उनका अरूज हो गए तब्दीली चलती रही लेकिन देखना यह है कि जब अल्लाह तला क्या देखना चाहते हैं कि तुम जब तरक्की करोगे तो फिर तुम क्या करोगे जब तुम कामयाब होगे, तुम्हारे हाथ में सब कुछ होगा तुम उस वक्त क्या करोगे और जब तुम नीचे होगे, गए तनजुली में होगे, तुम्हारी वक्त बदल जाएगा तो फिर उस वक्त तुम क्या करोगे अल्लाह ताला देखना चाहता है ताकि अल्लाह ताला ने कहा नलिया जीना और ताकि जान ले अल्लाह उनको जो किसको ईमान लाए और ये ये तब्दीली अल्लाह तला क्यों करता रहता है ताकि अल्लाह जान ले जो ईमान लाए उनको वैय तखीजा और बना ले तुम में से शहदा गवा तो इस वजह से अल्लाह ताला ये देखता रहता और फिर आखिर में यह है कि यानी ताकि जान ले अल्लाह उनको किनको जो मोमिन है जो ईमान लाए हैं और तुम में से कुछ को शहीद बना ले यानी जंगे ओहद में कुछ को शहादत का रुतबा नसीब हो गया था ना क्योंकि अल्लाह ताला ने देखे बदर में मुसलमानों को कामयाबी दी तो फिर ये देखा होगा ना कि कैसे तरक्की जब तुम कामयाब होते हो तो क्या करते हो और फिर जब जंगे ओहद में नाकामी हुई तो फिर अल्लाह ने कहा ना कि हम बदलते रहते हैं दिनों को तुम्हारे ऊपर लोगों के दरमियान ताकि हम अल्लाह ताला जान ले वाली आलम अल्लाहुल्जीना आमनू ताकि वो जान ले के ईमान वाले क्या करते हैं और फिर इन्हीं में से हम तुमको बनाते हैं गवा और शहीद ये भी शहादा यानी शहीद और और इस मौके पर चूंकि जब ये आयात उतरी तो अल्लाह ताला ने इसके पीछे ये जो बात है ताकि अल्लाह जान ले कि जो ईमान लाए तुम में से उनका जब वो फता नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं और फिर कुछ को मिनकुम कुछ को शहीद बना ले अल्लाह ताला यानी जंग में जो शहादतें हुई थी ये उनको शहादत के रुतबे नसीब हुए थे यानी बदर में कामयाबी हुई थी तो कुछ और मिला था आप ये देखिए कामयाबी बदर में हुई थी वहां पर शहादतें नहीं मिली थी कुछ और मिला था पता मिली थी मालिक अनिमत मिला था दुश्मनों के सर कलम करने का मौका मिला था और जंगे ओहद में नाकामी हुई तो कुछ और मिला हुँ? वो क्या मिला नाकामी में भी खैर मिली यानी कुछ लोगों को शहादत जैसे बुलंद तरीन दर्जे मिले अल्लाह अकबर तो इस बात में एक बात छुपी है कि देखें जब नाकामी भी होती है ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलता है उसमें भी अल्ला, ये जो दिन बदलता है ना अल्लाह ताला का कभी, कभी अल्ला ता, तुम करते क्या हो? सबर और को भी आजमाता है और अल्लाह उसके बदले में जैसे यहाँ बहुत के मुकाम की बात हो रही है तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि हमने नाकामी में भी खैर मिली कुछ लोगों को शहादत जैसे बेहतरीन रुतबे मिले और साथ ही अल्लाह ने फरमा दिया से अल्लाह अकबर अब इन दोनों बातों को आपस में जोड़ गया है कि अल्लाह जो है वो ज़ालिम को पसंद नहीं करता इसलिए हमें जुल्म से बचना चाहिए तो इससे पता क्या चलता है कि कामयाबी मिले तो भी आप जुल्म के जुल्म ना करें नाकामी मिले तो भी आप जुल्म ना करें दोनों सूरतों में आप ये ये याद रखें कि अल्लाह ताला कामयाबी में भी कुछ ना कुछ देते हैं और अल्लाह ताला नाकामी में भी कुछ ना कुछ देते हैं और वो मोमिनों को आजमाते हैं कि मोमिन जो है वली आलम जीना आलम आमनु सॉरी ताकि जान ले अल्लाह उन लोगों को ईमान वालों के ईमान को और फिर जब आखिर में ये कहा ना कि जुल्म से बचना है क्यों जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करता और जालिमों को और मोहब्बत नहीं करता अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता तो जिन जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता तो फिर क्या करता है जिनसे मोहब्बत नहीं होती उनसे फिर नफरत होती है ना तो जालिम से इसका मतलब यह है कि अल्लाह को बिल्कुल मोहब्बत नहीं है तो पता ये चलता है कि हर हालत में हर सूरत में कामयाबी नाकामी किसी भी हाल में किसी भी जगह किसी भी तौर हमें जुल्म से हर सूरत बचना है और एक देखें जुल्म की भी किस्में हैं, जुल्म के भी आगे शक्ले हैं। कौन से जुल्म है एक जुल्म है अल्लाह के हक में और दूसरा जुल्म है अल्लाह के बंदों के हक में जुल्म अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्लाह के हक में कौन सा जुल्म है जुल्म कहते हैं दरअसल जुल्म के मायने क्या है कमी करने के लिए किसी भी चीज में कमी कर दो इसको कहते हैं जुल्म यानी जब अल्लाह की इबादत और اطاعت में कमी होती है ना तो अल्लाह के हक में जुल्म होता है और जब बंदों के हक में कमी होती है या बंदों के साथ जो معاملات हैं वो तीन तरह से अगर उनमें कमी की जाए तो वो बंदों के साथ जुल्म होता है और बंदों के हाँ में जुल्म जो है ना उसकी तीन किस्में हैं जान पर जुल्म होता है नंबर एक बंदों के ऊपर नंबर दो बंदों के माल पर जुल्म होता है और नंबर तीन बंदों की इज्जत पर जुल्म होता है तो जब किसी को कोई जानी नुकसान दिया जाए नंबर तो पर, पर, तो फिर यह कि किसी के माल को छीना जाए या फिर किसी की चोरी की जाए या किसी के और किसी माल अमला को नुकसान पहुँचाया जाए किसी भी तरह तो ये माल पर माल के जरिए से उस बंदे पर जुल्म है इंसानों पर और फिर फिर तीसरा मैंने बताया कि किसी की इज्जत पर जुल्म इज्जत पर हाथ डालना किसी भी तरह उसकी लफ्जों से बातों से कामों से ऐसे तरीकों से किसी की इज्जत घटाना ये इज्जत के बारे में ये इंसानों पर जुल्म है इंसानों पर तीन तरह के जुल्म होते हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ आप कतल ही करोगे तो वही जुल्म होगा आप उसके माल को किसी भी तरह नुकसान दे दोगे आप उसकी इज्जत को उसके पीठ पीछे या सामने या जहां कहीं भी नुकसान दे दोगे तो ये अल्लाह के ये आप जुल्म कर रहे हो और ये याद रखो कि वाहु ला जो को पसंद नहीं करता तो अल्लाह ये आजमाइशें क्यों डालता है अल्लाह ताला बंदे के ऊपर ये जो कभी अच्छे दिन लाता है कभी बुरे दिन लाता है कभी घूम फिर के ताकि अल्लाह तमतहान ले ताकि वो खालिस कर ले उन लोगों को किन लोगों को जो ईमान लेकर आए और अल्लाह मोमिन को आजमाइश में जरूर डालता है किस लिए खालिस करने के लिए खालिस करने के लिए डालता है अल्लाह तला तो देखें अब इसमें अब इस, जो, जो इसमें अल्लाह ताला ने शुरू में कहा ना कि तुम अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचा है तो इससे पहले इस आ, किसी और कौन को भी यानी कुरैश अभी तुम्हें ओहद में जख्म मिला है मैं इसको आसान लफ्जों बताऊं कि अगर तुम्हें ओहद की लड़ाई में जख्म मिला है तो तुम्हें तो पता है कि बदर की लड़ाई में कुरैश को जख्म मिला यहाँ पे नाम नहीं है इशारे हैं यानी और बदर का जिक्र नहीं है इशारों से बताया कि अगर तुम्हें पहुंचाए तो उनको भी पहुंचाता और फिर साथ में यह बताया कि ये तो हम दिन तो हम फेरते रहते हैं दिन कभी अच्छे कभी बुरे कभी तुम्हारी फतेह कभी उनकी फतह लोगों के बहन ना लोगों के दरमियान हम इनको घुमाते रहते हैं क्यों घुमाते रहते हैं वलियाल आमन ताकि अल्लाह तुम्हारे ईमान को जान ले और इस जो आखिरी बात है कि अल्लाहि से मुहबत नहीं करता इसका ऊपर वाली बात के साथ तल्लु यह है कि देखे अल्लाह की तरफ से अगर मुश्किल आती है कामयाबी आती है तो भी अल्लाह आजमाता है ईमान वालों को कि तुम अल्लाह के हक में जुल्म तो नहीं करते हो कि तुम्हें बहुत कुछ अगर मिल जाए अगर मैं इसी आयत को दुनिया के आम देखें ये आयतरी आखिरी ये, आयत तो आयत ये जंगे बदर के और के हवाले दिए गए इसमें लेकिन चूंकि ये आखिरी किताब है और आखिरी इंसान तक की हिदायत का जरिया यही है तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इस आयत में अल्लाह तला ने जो बात कही है ना कि मैं तो अल्लाह दिन दिनों को बदलते रहते हैं किसी कभी कामयाब ऊपर आ जाता है कभी नाकाम नीचे और कभी नाकाम वाला ऊपर कामयाब वाला नीचे तो ये तो हम घुमाते रहते हैं तुम्हारा ईमान चेक करने के लिए और जो आखिर में कहा ना कि तुम अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता यानी कि जब तुम अच्छे दिनों में होते हो और फिर जुल्म की मैंने आपको किस्में बता दी कि जुल्म अल्लाह के साथ भी होता है जुल्म बंदों के साथ भी होता है तो जब तुम कामयाब हो चुके होते हो तो क्या तुम उस वक्त तो कहीं जुल्म की रविश अख्तियार नहीं करते कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ बैठो कि हम जब कामयाबी की कुंजी तुम्हारे हाथ में आए तो तुम उस वक्त कहीं जुल्म जुल्म की चक्की में तो नहीं पीसना शुरू कर देते दूसरों को इंसानों को या अल्लाह के हुकूक में तो कमी नहीं कर देते कि मेरे पास तो सब कुछ है अब मुझे क्या जरूरत पड़ी नमाजें पढ़ने की और वो करने की तो अल्लाह के हुक्म में अल्लाह के हुक्म में अल्लाह के कामों में जब जो कमी कर देते हैं लोग वो भी एक जुल्म है अल्लाह के साथ वो जुल्म है अल्लाह के हक में जुल्म है जुल्म का मतलब कमी का मैं दोबारा बता रही हूँ और अगर कामयाब हो जाते हो या बहुत कुछ मिल जाता है दुनिया में तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के साथ जुल्म करना शुरू कर दो इंसानों के साथ अब आप, आपको अल्लाह ताला ने कोई भी ताकत दे दी कोई भी बड़ी चीज दे दी तो आप उसको बेइज्जत करना शुरू कर दो कि ने दिया है, तो तुम उनको बेइज्जत करना शुरू कर दो तो ये जुल्म, ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता यानी तुम पर कामयाबी आए या तुम पर नाकामी आए दोनों सूरतों में तुम ना बनना दोलिम ना बनना क्योंकि अल्लाह कामयाबी में भी तुम्हें कुछ ना कुछ अता करता है और नाकामी में भी अल्लाह ताला तुम्हें कुछ ना कुछ अता करता है और दोनों सूरतों में अल्लाह तुम्हारे ईमान को आजमा रहा है कि तुम कितने खालिश हो और अल्लाह इस नाकामी में भी देखें कि उहद में नाकाम होने वालों को अल्लाह ने शहादत के रुतबे दिए तो और झालिमों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता कि दोनों सूरतों में यानी ताकत तुम्हारे हाथ में हो कामयाबी तुम्हारे हाथ में हो तो भी तुम अल्लाह के हक में झुलम न करना अल्लाह के हकूक में कमी न करना हुई से अदा करना और इसका ये लेसन बता रही हूँ तफसीर में आपको बता चुकी हूँ हमने इस आयत से ये सीखा है कि हालात अच्छे हों या बुरे हों कामयाबी हो या नाकामी हो दोनों सूरतों में अल्लाह का अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए और अगर मुसीबत हो तो अल्लाह से सब्र करना चाहिए और इस बात का यकीन रखना चाहिए कि मुश्किल में भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई इनाम जरूर छुपा हुआ होगा क्योंकि अल्लाह हमारे ईमान को आजमा है कि हम अगर तकलीफों हो में होते हैं तो क्या अपने रब को भूल जाते हैं या उसके साथ गिला शिकवा करने लग जाते हैं नहीं या उसके उसकी अतात छोड़ देते हैं या उसकी इबादत छोड़ देते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया तो अब मैं क्यों इबादत करूँ नहीं अल्लाह तलामारे के ईमान को आजमाते हैं और फिर अल्लाह मोहब्बत नहीं करता ाल से चाहे वो अल्लाह के हकूक अल्लाह

वो ये समझते हैं कि अब हम हमारा हम तो बिल्कुल जायज कर रहे हैं क्योंकि हम तो बड़े मजलूम हैं हम जो चाहे करें नहीं दोनों सूरतों में इस आयत का जो तफसीर मैंने बताई है उसकी रोशनी में मैं ये बता रही हूँ कि उसका आगे जो अमल की बात हमें पता चल रही है अपने लिए हम जो अमल की बात इससे चुन रहे हैं वो ये है कि अल्लाह घुमाते रहते हैं कभी कामयाबी और कभी नाकामी लेकिन दोनों सूरतों में अल्लाह को नहीं भूलना अल्लाह के साथ कामयाबी पे शुक्र और नाकामी पे सबर करना है दोनों सूरतों में कोई ना कोई उसमें अल्लाह ताला की तरफ से इनाम जरूर छुपा हुआ होता है और दोनों सूरतों में जुल्म की की तरफ नहीं जाना आप कामयाब हो या नाकाम हो दोनों सूरतों में जुल्म की तरफ नहीं जाना ना ही अल्लाह के हक में जुल्म करना है अल्लाह के हक में जुल्म हुकूक अल्लाह पूरे करने आप जितने भी ताकतवर हो जाओ अल्लाह के आगे झुकना है अल्लाह के हुक्म अहकाम मानने हैं या आप जितने भी मजलूम हो अपने अल्लाह से कोई गिला शिकवा नहीं करना और इंसानों के साथ जिंदगी में दूसरों के गले नहीं डाल देना दूसरों को उसकी अजियत नहीं पहुंचाते रहना दूसरों के मथे नहीं मारते रहना कि तुम्हारी वजह से ये हो गया तुम्हारी वजह से ये हो गया तुम्हारी वजह से ये हो गया ये नहीं अल्लाह ये जुल्म है या फिर दूसरों की इज्जत के बाकी नहीं उधेड़ते रहना है कि फला तो ऐसा है तो उसकी वजह से ये मेरी जिंदगी में ये कमी है तो फला ऐसा है तो ये दूसरे की इज्जत के साथ अगर जो दूसरे की इज्जत खराब करते हैं ना लोग लफ्जों से भी ये भी जुल्म है तो अल्लाह ताला ने बता दिया है वाज तौर पर वल्लामीन अल्लाह बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता अब ये बार बार, बार मैं वाजे कर रही हूँ कि हमारे अंदाजे ऐसे होते हैं ना हम ये समझते हैं कि कोई किसी का बहुत बड़ा कोई नुकसान कर दे कोई जान ही ले ले कोई कतल ही कर दे कोई किसी की जमीन मकान पे कब्जा कर ले या कोई बिल्कुल ही तो शायद यही जुल्म होता है जुल्म के बहुत दर्जे हैं हर दर्जे पर जाके जुल्म से बचना है, चाहे कामयाबी की हो चाहे नाकामी की यहाँ पर यह आयत जो जिस उस जिस मामले पर उतरी थी और इसमें जहाँ इशारा है ये जंग बदर की तरफ और जंग ओहद की तरफ इशारा है कि जैसे जंग बदर में पहले आपको कामयाबी मिली थी और दूसरी कौम को तकलीफ हुई थी अब आपको तकलीफ हुई है और हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तो घुमाते रहते हैं फेरते रहते हैं दिनों को लोगों के दरमियान और अल्लाह जानना चाहते हैं आपके ईमान को और इसमें अल्लाह ताला ने शहीद भी बनाए और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता तो अल्लाह ताला हमें कभी भी आ, हमेशा आ, अपने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए और कभी भी हम जुल्म ना करें ना अल्लाह के हक में ना बंदों के हक में आमीन सुमा आमीन सुभानक अल्लाहुम्मा वबिक हमदिक नशदु वला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतौब इलैक अस्सलाम अलैकुम व खैर